हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका BR46 ब्लॉग्स में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इधर देखिए हमारी खड़ी है यामाहा R15 वर्जन 3 BS4 और इधर है हमारी KTM RC125। आज के इस वीडियो में हम जो है टेस्ट करेंगे इसका ब्रेकिंग टेस्ट। मैं पहले कोई भी गाड़ी लेने से पहले ये डिसीजन ज़रूर लेता हूँ कि इस गाड़ी का ब्रेकिंग कैसा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मेरे के लिए कुछ होता है तो वो ब्रेकिंग ही होता है। गाड़ी का पिकअप पावर वो अलग लेवल का चीज़ है, लेकिन सबसे पहले मैं अगर देखता हूँ अपने लिए गाड़ी लेने के लिए या किसी दोस्त को सजेस्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि उस गाड़ी का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस बाइक में डला हुआ है रेडियल टायर और मेरे बाइक में है नॉर्मल टायर, बट फिर भी आज हम टेस्ट करेंगे कि दोनों में से ब्रेकिंग परफॉर्मेंस किसका बढ़िया है। टेस्ट इसका, उसके बाद एक बार हम दोनों राइडर एक साथ आएंगे क्योंकि दोनों की गाड़ी अपनी अपनी हैंड में अच्छे से सेट है तो वो अच्छे तरीके से अपने बाइक को कंट्रोल कर पाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो चलिए वीडियो में आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लगा दिया निशान 1 2 3 और उधर से मैं आऊँगा 50 के स्पीड में और यहाँ ब्रेक अप्लाई करूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या ब्रेकिंग परफॉर्मेंस होता है। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ RC125 का ब्रेकिंग टेस्ट। इसमें सिंगल चैनल ABS है बट RLP है, आप लोग देख सकते हैं। रियर लिप प्रोटेक्शन इस गाड़ी में दिया हुआ है और आगे इसमें सिंगल चैनल ABS है। तो अभी चेक करते हैं इसका ब्रेकिंग टेस्ट। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है 10,639 किमी और ये भी BS4 मॉडल ही है। तो साइड स्टैंड डाउन था, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी। और इस RC में USD फोर्क है और इसका जो डिस्क का साइज है वो भी काफ़ी बड़ा है, बट इसमें सिंगल चैनल ABS है और मुझे ऐसा लग रहा है कि RC काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी ब्रेकिंग टेस्ट के मामले में, बट सिंगल चैनल ABS होने के कारण हो सकता है कि ये पीछे हो जाए। तो चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अब मैं यहाँ से गाड़ी कर ले रहा हूँ अपनी टर्न और 50 के स्पीड में इस गाड़ी का मैं ब्रेक टेस्ट करूँगा। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं बाइक कितनी दूर में आके रुकी है। 50 के स्पीड में बाइक रुक चुकी है यहाँ पे आके अपनी R15 वर्जन 3 और अब उसका ब्रेकिंग टेस्ट होगा। इसका ब्रेकिंग टेस्ट होगा कि क्या ये RC को बीट कर पाती है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बार में जो है हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि हमारा ध्यान बट गया था, क्योंकि ये लोग हाथ वाथ दिखा रहे थे यहाँ से। तो R15 जो है वो डबल चैनल ABS होने के बाद भी आरती हुई, तो मैं फिर से एक बार अप्लाई करूँगा इसमें ब्रेक और देखूँगा कि क्या परफॉर्मेंस आता है। तो चलिए आप लोग भी देखिए, मेरा ध्यान थोड़ा सा बट गया था जिस वजह से मैंने ब्रेक लगाने में काफ़ी देर कर दी और वो गाड़ी भी मेरे हाथ में सेट है क्योंकि जब वो ब्रांड न्यू आई थी तब से ही मैं उसे ड्राइव कर रहा हूँ। ब्रेक तो भैया रिजल्ट आप देख सकते हैं कि R15 डबल चैनल ABS होने के बाद भी RC को बीट नहीं कर पाई। आप गैप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप क्रिएट हुआ, जितना हम लोगों ने चेक किया था 160 अपाची 4V और FZ V3 जितना गैप क्रिएट हुआ था, तो अभी उतना ही गैप क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों राइडर जिनकी जिनकी गाड़ियां हैं वो लेंगे और 50 के स्पीड में दोनों कंटिन्यू करके ब्रेक मार के एक बार ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे। जबकि मुझे R15 V3 से ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि इसमें डबल चैनल ABS है। दोनों का स्पीड मेंटेन रखना है एकदम, ठीक है, 50 का स्पीड दोनों को मेंटेन रखना और वहाँ पे ब्रेक अप्लाई करना उस साइड से ही। यहाँ ब्रेक अप्लाई करना उस साइड से। तो
आरसी से मुझे जो उम्मीद था उस पर वो कायम उतरी, क्योंकि उसका डिस का जो साइज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और उसमें यूएसडी फॉर्क भी डला हुआ है, जिस वजह से उसका परफॉर्मेंस ब्रेकिंग का काफ़ी अच्छा हुआ। हम दोनों को अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना है सेम स्पीड में, तो उधर से तो लगभग दोनों सेम डिस्टेंस पे ही रुके हैं इस बार, बट फिर से एक बार टेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसी का परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए ब्रेकिंग के मामले में। चलिए रिजल्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि भैया जी का वेट काफ़ी कम है और वैसे भी मुझे आरसी से काफ़ी उम्मीद थी। तो अब हम राइडर करने वाले हैं स्विच, उसके बाद देखेंगे कि दोनों गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आरसी 125 पे। भाई वेट का तो फायदा होता है, आप देख सकते हैं राइडर का वेट काफी कम है, जिस वजह से वो गाड़ी काफी जल्दी रुकी है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों पे सेम वेट का राइडर को बिठाते हैं। तो आइए ऋषभ भैया आप आइए, हम दोनों तो सेम वेट का हैं, तो एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। और हमारे चिंटू भैया को अब हम बना देते हैं कैमरा। फिफ्टी है दोनों एकदम गाड़ी दोनों एक साथ रहनी चाहिए। चलो काफ़ी तगड़ी वाली व्हीली हुई है, और आप देख सकते हैं जब हमारा राइडर का वेट जो है सेम रहता है तो इस गाड़ी का ब्रेकिंग दोनों, जबकि ये सिंगल चैनल एबीएस के साथ आती है, फिर भी हमारी R15 जो वो डुअल चैनल के एबीएस के साथ आती है, फिर भी उसको टक्कर दे रही है, उससे पहले ही रुक जा रही है ये बाइक। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें यूएसडी फोर्क और इसका डिस्क का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा, जिस वजह से इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। एक बार और फिर से हम लोग चेक करेंगे और ये हमारा फाइनल डिसीजन होगा, बाकी बात आप लोग खुद डिसाइड कर लेना। इस बाइक में अपनी सिंगल स्टैंड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिस वजह से क्या होता है कि कभी कभी ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देने लगती है, तो उसे जल्दी मैं रिपेयर करने वाला हूँ। बात तो ये कि इस बाइक में रेडियल टायर डले हुए हैं, दूसरी बात ये इसमें यूएसडी फोर्क है, तीसरी बात ये इसका डिस्क जो है वो काफ़ी बड़ा है, डिस्क प्लेट इसका, इसलिए इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और एक बात ये भी कि इसमें जो राइडर चला रहे थे उनका भी एक्सपीरियंस तो आप लोग जानते ही हैं, बचपन से गाड़ी चला रहे हैं, क्या बाबू लोग सही बात है ना, बाबू कहाँ देखा है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आप लोग को कुछ और भी नई जानकारी देने वाला हूँ। थैंक यू। इन्होंने चिटिंग किया, पहले ब्रेक लगा दिया, जिस वजह से ये जीत गया है।